वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अब भाजपा विपक्ष में नहीं है, जांच एजेंसियों से जांच करवा लो। बीजेपी उनको लगता है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ तो जांच करवा लो। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार को 50 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन उसके बावजूद कोई काम अब तक नहीं हुए। ये सरकार पर्ची की सरकार है, दिल्ली से पर्ची आएगी वहीं काम सरकार में होंगे। डोटासरा ने कहा कि वर्क ऑर्डर होने के बावजूद काम नहीं हो रहा है, बीजेपी के मंत्रियों को मुख्यमंत्री से मिलने का समय तक नहीं मिल रहा है। या तो आप कैंसिल कीजिए या काम को आगे बढ़ाइए। जब आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप एक रुपए का वर्क ऑर्डर नहीं करोगे, वर्क ऑर्डर हो गया वो काम चालू नहीं करोगे, जब तक उस आदेश को आप विड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इस तरीके का जो वातावरण बना करके राजस्थान की विधानसभा की जो बहुत ही अच्छी परंपरा है इसको शर्मसार कर रहे हैं। इनको चाहिए, सरकार है इनके पास में, जो जांच इनको करानी है, जिसकी जांच करानी है, ईडी से करानी है, इनकम टैक्स से करानी है, सीबीआई से करानी है, इनको मना कौन कर रहा है आप बताइए? कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन इनको जांच नहीं करानी है। इनके पास में कहने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास में करने के लिए कुछ नहीं है। इनको मंत्रियों को एक एक ऐसे तो नहीं मिला, ये किसकी जाँच कराएंगे, क्या बात कराएंगे? इनके मुख्यमंत्री जी अभी तक शायद मंत्रियों के जो मेरे को सूचना प्राप्त है 10-10 दिन हो गए कि हम मिलना चाहते हैं, अभी तक मिलने का समय इनको नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी भ्रमण पे उतरे हुए हैं,